लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में देश के 13 राज्यों की 88 सीटों पर शुक्रवार को मतदान संपन्न हो गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक 60.96% मतदान की खबर है। हालांकि आपको बता दें कि दूसरे चरण में 89 सीटों पर मतदान होना था, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बसपा के एक उम्मीदवार के निधन के कारण बैतूल सीट पर अब तीसरे चरण में मतदान होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटीजन पोस्ट में, मैं हूँ मीनू वर्मा। दूसरे चरण के मतदान के संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर एनडीए गठबंधन को समर्थन मिलने का दावा करते हुए कहा है कि दूसरा चरण बहुत ही अच्छा रहा, भारत भर के लोगों का आभार जिन्होंने आज मतदान किया, एनडीए को मिल रहा अद्वितीय समर्थन विपक्ष को और भी निराश करने वाला है, मतदाता एनडीए का सुशासन चाहते हैं, युवा और महिला मतदाता एनडीए को मजबूत समर्थन दे रहे हैं। खैर, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, लेकिन अगर अब आंकड़ों पर एक नजर डालें तो चुनाव आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक त्रिपुरा में सबसे ज्यादा 79.25% और बिहार में 55.08% मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया है। मणिपुर में 77.32%, छत्तीसगढ़ में 73.55%, पश्चिम बंगाल में 71.84%, असम में 71.11% और जम्मू एवं कश्मीर में 71.91% मतदाताओं ने वोट किया है। वहीं कर्नाटक में 68.31%, केरल में 65.78%, राजस्थान में 64.07%, मध्य प्रदेश में 57.81%, महाराष्ट्र में 56.66% और उत्तर प्रदेश में 54.85% मतदाताओं ने ही वोट किया है। लेकिन अब अगर 2019 के लोकसभा चुनाव से मतदान प्रतिशत की तुलना पर एक नजर डालें तो आप देख सकते हैं हमारे इस लिस्ट में कि इस चरण में यानी द्वितीय चरण में 2019 के मुकाबले मत प्रतिशत में कमी नजर आ रही है। खैर, मत प्रतिशत में कमी इस चुनाव में किसको झटका देगी ये तो 4 जून तक पता चल ही जाएगा, लेकिन इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।